हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवमोनी। तो आज आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये क्या फैला के रखा हुआ है। तो ये हमारा जन्माष्टमी का डेकोरेशन का सामान है गाइस। तो आज हम इनके लिए, जो हमने आपको बताया था कि मेरे पास एक बड़ा झूला है, तो मैं उसी में सारी डेकोरेशन करने वाली हूँ और उनकी पूरी झांकी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारा झूला, ये रहा, और बहुत ही सुंदर झूला है और इसमें हमारे सारे भगवान आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो भगवान है, हमारे कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे एक और कान्हा जी हैं, उन्हें भी बैठाएंगे। तो इस टाइप से हमारे पास जो भगवान है उनके हिसाब के, मतलब उनके हिसाब से ये झूला है और बहुत ही प्यारा झूला है। इसी में हम सारा डेकोरेशन करने वाले हैं और हम हमारी जो जन्माष्टमी की जो पूजा होने वाली है वो यहीं पे होने वाली है। तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन होने वाला है, तो आप इसका अच्छे से व्यू देख लीजिए। तो इसके ये पिलर हैं, ये इसका झूले का छत हो गया और जो कि काफ़ी बड़ा है, और इधर पर भी इनके ये पिलर हैं और ये इनका जो नीचे है इसका पालना बोल सकते हैं आप, पालना ही है। और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करने की कोशिश करेंगे, बाकी कान्हा जी की जो इच्छा है उन्हीं के हिसाब से होने वाला है डेकोरेशन, और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करने की हम कोशिश करेंगे गाइस। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि अभी अभी हमारा घर ये बना हुआ है, ये हॉल है, तो हमने सोचा इस बार हम यहीं पर जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो अच्छा लगता है, डेकोरेशन भी जब होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आपको झूला दिखा दिया, अब मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों से इसमें डेकोरेशन वन बाय वन करने करूँगी और आपको दिखाते जाऊँगी, बताते जाऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें बैकग्राउंड पे बहुत आवाज़ें सुनाई दे रही हो तो सो डोंट माइंड, क्योंकि बहुत क्या है ना, अभी अभी बना हुआ है ये, तो ये रूम बना हुआ है तो अभी इनमें अभी आधा काम इसका बाकी रह गया है, लेकिन अभी हम झूले का जो डेकोरेशन आपको दिखा रहे हैं आप उसे कंटिन्यूस देखिए। सो गाइस देखिए, हमने यहाँ पर फ्लावर्स और लीव्स से पूरा डेकोरेशन कर दिया है बैकग्राउंड में, और यहाँ पर येलो कलर और ग्रीन कलर और रेड कलर के कपड़े से हमने, मतलब सॉरी ये नेट है, तो इससे हमने थोड़ा सा ऐसा लुक देकर के डिज़ाइन कर दिया है। तो बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है और लेकिन लगेगा बहुत ही सुंदर। अभी तो ये आधा है, अभी आप और भी देखते जाइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर पालने पे ही पूरा डेकोरेशन कर दिया है हमने, ये देखिए, और हमने यहाँ पर फ्लावर लगा दिए हैं, ये येलो और पिंक कलर का एक बीच में बंच करके फ्लावर बना लगा दिया है, और यहाँ पर नॉर्मल फ्लावर जो हमने बैकग्राउंड में यूज़ किए हैं हमने वो लगा दिया। तो मतलब ऑल ओवर हमारा यहाँ झूले के अंदर का जो मटेरियल था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर बाहर हमने कर दिया है डेकोरेशन, ये देखिए। तो हमने जो जड़ी और जो हमारे पास सीरीज थी, जितने अभी हमारे पास मटेरियल था, हमने उससे यहाँ पर डेकोरेशन कर दिया है, और बहुत ही कॉमन डेकोरेशन किया है ताकि आपको समझ में आए, लीव्स और फ्लावर से किया है, और कुछ ये ग्लिटर वाली जो हमारे पास लड़ी थी हमने उससे भी यहाँ पर डेकोरेशन कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर पिलर पे ये ग्रीन कलर की जो लीव्स वाला सीरीज़ है उसे यहाँ पर लगा दूँगी पिलर पे, जो झूले की पिलर है मैं उस पर लगा दूँगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लीव्स लगा दी हैं और फ्लावर्स को भी यहाँ पर लगा दी, क्योंकि लीव्स से थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने फ्लावर यहाँ पर लगा दिया है अब, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसी टाइप से मैंने दूसरे पिलर पे भी जो साइड पे है उसे भी यहाँ पर दोनों कर दिया है और इसे अच्छे से लगा दिया है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया हमारे झूले का, ये देखिए। और अभी यहाँ पे लाइटिंग भी लगेगी गाइस, तो अभी मैं यहाँ पर झूले की ये जो चैन है इस पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगाऊंगी फ्लावर या फिर जड़ी, ये देखिए गाइस। हम अभी यहाँ पर हमने जड़ी लगा दी है और हमने पूरे झूले को डेकोरेट कर लिया है अच्छे से, और काफ़ी अच्छा हैवी डेकोरेशन हो गया है। मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कितना हैवी हो पाएगा, लेकिन हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा झूला कितना सिंपल था और कितना हैवी लगा। तो ये देखिए पूरा फाइनली हमारा जो है कम्प्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर पिलर के साइड में मटके रख दिए हैं, मतलब मटकी रख दी है छोटी छोटी सी, और यहाँ पर मैंने जो पालकी है उसके हैंडल पे मैंने ये मेरे पास एक झूमर टाइप का था मैंने वो रख दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो पूरा झूला जो है अच्छे से डेकोरेट हो गया है। अब हम यहाँ पर अपने सारे विग्रह जो हमारे पास हैं, हमारे भगवान जी, हमारे कृष्ण जी जिनका आज जन्मदिवस है, तो उनको मैं यहाँ पर विराजमान करा दूँगी। बाकी थोड़ा सा और डेकोरेशन बचा है वो रंगोली का हो गया है अभी, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेशन बचा हुआ है तो उसे भी कंटिन्यूस मैं कर ही देती हूँ, और फिर ये हमारा जो झूला है और यहाँ पर जो पूजा होने वाली है उसके हिसाब से भी डेकोरेशन होगा, क्योंकि वो नीचे होगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर ये भी कर देती हूँ और फिर मैं आपको सारी दिखा दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक झूले में ही ये फूल की लड़ी लगा दी थी, मतलब हाँ लड़ी लगा दी थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है,
ये देखिए, और अभी मैंने यहाँ झुला के भी आपको दिखा दिया क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ एक बार झुला के दिखा दूँ। देखिए डेकोरेशन बिल्कुल नहीं हिल रहा है क्योंकि हमने शायद बहुत अच्छे से फिक्स किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फाइनली जब हमारे भगवान बैठेंगे इसमें तो कितने सुंदर लगेंगे, तो मुझे तो अभी लग रहा है अभी बैठा दूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा और डेकोरेशन बाकी है तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रख लेती हूँ, अभी उन्हें भी बैठा दूँगी। और मतलब अनएक्सपेक्टेड इनका डेकोरेशन हुआ है। गाइस हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है डेकोरेशन को, तो आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अभी हमने यहाँ पर रंगोली का ये जो प्लस साइन होता है अभी वो बना दिया, अभी यहाँ पर कलर रखना बाकी है तो वो भी बन जाएगा धीरे धीरे क्योंकि अभी इसको सेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने साइड में यहाँ पर तुलसी माँ को विराजमान करा दिया है और अच्छा लगता है इन्हें भी साथ में रखें क्योंकि ये तो हमारे लिए आज बहुत ही महत्व रखती हैं, तो हमने इनको भी बैठा दिया है यहाँ पर। और ये देखिए हमारे विग्रह जितने हैं और राधा कृष्ण हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो रंगोली है मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए मैंने प्लस साइन को अच्छे से बना दिया है यहाँ पर। अभी इसमें कलर और रखने बाकी है तो वो भी मैं यहाँ पर रख लूँगी, तो चलिए मैं कलर रख लेती हूँ पहले। तो ये देखिए गाइस हमने पूरा डेकोरेशन कम्प्लीट कर लिया, और यहाँ पर ये देखिए हम इस बाउल पर अपने लड्डू गोपाल को शयन कराएँ क्योंकि अभी शाम के 4 बजे हैं, उन्हें मैं यहाँ पर शाम को 7 बजे इनमें शयन करा दूँगी, फिर मैं उन्हें 12 बजे यहाँ से निकालूँगी, तो उसका वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। तो ये देखिए हम आपको पूरा ओवरव्यू दिखा देते हैं हमारे प्रभु जी का। ये देखिए रंगोली कितनी सुंदर बन गई है, और यहाँ पर हमने फ्रूट्स का जो है बाउल रख दिया है क्योंकि हमने अपने विग्रह को भी रख दिया है। यहाँ पर हमारी तुलसी मैया है, मैंने उन्हें हार पहना दिया है और इनकी बिंदी लगा दी है, चुनरी लगा दी है, तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये भी आज, इनका इन्हें भी हमने तैयार करा दी। ये हमारे पंडित जो हैं कल खिलौने हैं, और ये उनके ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं गाइस, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये घर रख दिया है जो कि हमने बनाया हुआ था, और यहाँ पर ये घोड़ा है, ये बतख है, और ये फ्रूट्स हो गए, और ये इनकी गैया हो गई, और यहाँ पर ये हमारी रंगोली है। तो इतना यहाँ का तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर साइड में हमने मगरमच्छ भी रखा हुआ है, तो ये देखिए बहुत ही सुंदर रंगोली बनी हुई है बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ पर अपने प्रभु जी को दर्शन करा ही देती हूँ ताकि फिर हम इनकी जल्दी से जल्दी पूजा करें क्योंकि टाइम भी अब हो रहा है, शाम के टाइम हो चुका है। अभी देखिए हमारे जो प्रभु जी हैं आज इनका दिन का श्रृंगार ये है, लेकिन रात का श्रृंगार हम अलग रखेंगे जब उनका जन्म हो जाएगा, तो शाम के 7 बजे बाद इनका शयन मैं करा दूंगी, तो उसके बाद का वीडियो आपको सेकेंड पार्ट पे ही मिलेगा गाइस, क्योंकि इसमें डालूंगी तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए हमारे कान्हा जी, ये सबसे सुंदर लग रहा है, मतलब क्या बताएं, क्यूटनेस ओवरलोडेड हो गई है इनकी। ये हमारे शालिग्राम जी हैं, हमने इनको मुकुट लगा दिया है, और यहाँ पर हमारे सबसे छोटू से जो लड्डू गोपाल हैं इनको भी हमने अच्छे से ड्रेस पहना दी है। अब ये हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी हैं, तो इनके भी दर्शन आप कर ही लीजिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इनका जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है इनके श्रृंगार का, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गाइस, मतलब क्या ही बोल दें। अब जन्माष्टमी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज राधा रानी तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रही, मतलब आज स्पीचलेस हो चुकी हूँ मैं देख करके। जब मैंने इन्हें श्रृंगार किया था तो मेरी तो आँखें ही बिल्कुल वो हो गई थी, बट बहुत ही अच्छा श्रृंगार हुआ है इनका, ये देखिए आप। तो दोनों के जो ड्रेसेस हैं बिल्कुल सेम है, तो मैंने वन थीम का इस बार नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी कि बस एक थीम रहती है जैसे भगवान की आजकल खूब ट्रेंड पे है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे मेरा तो इस बार बहुत ही अच्छा था मन था कि इस टाइप का डेकोरेशन करना है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसी कोई ज़्यादा खास प्लानिंग नहीं थी, बट हाँ जिस हिसाब से मैं मतलब थोड़ा बहुत हम करते गए तो होता गया और बहुत ही प्यारा हुआ है। ये देखिए रंगोली भी बहुत ही सुंदर लग रही है, तो इस टाइप से हमारा जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुआ है ये देखिए, तो बहुत ही मतलब क्या ही बोलें, अब बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुआ है क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर ये वॉल है हमारा, अभी ये टोटली फिनिश नहीं हुआ है, अभी सिर्फ यहाँ पर हमने झूले रख के हमने बोला कि इस बार यहीं पर पूजा करनी है हमें, तो उसके हिसाब से हमने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ही डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये देखिए, और मैं आपको यहाँ पर अच्छे से सब दिखा देती हूँ, और ये झूला हमने भी झूला दिया, हमने बोला एक बार आपको झूला झूला के ही इनको दिखा देते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं झूला झूलते हुए हमारे प्रभु जी, हमारी राधा रानी, आप इन्हें अच्छे से देख ही लीजिए। ये देखिए झूला झूल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं,
हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी हमारी ठाकुरानी जी और उनके खिलौने हो गए। और आज मतलब बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुआ है, मतलब बहुत मन से बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा डेकोरेशन हो चुका है। सो आई होप गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पर, तब तक लिए बाय बाय।